मौजूद है छत्तीसगढ़ के धमतरी में और धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी सिहावा में मेला मड़ी का दौर शुरू हो गया है। आज हम इस वक्त मौजूद है सिहावा के दंतेश्वरी पारा में। यहाँ दंतेश्वरी माता का मड़ई का आयोजन किया जा रहा है, जिसको भोड़का मड़ई भी कहा जाता है। आखिरकार क्यों भोड़का मड़ई कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी नाम बताएंगे। जी मेरा नाम देवव्रत गौतम है, मैं यहीं का निवासी, सिहावा का ही निवासी हूँ। आज यहाँ पर जैसे सिहावा में हम लोग मौजूद है, क्या चीज़ का मड़ई हो रहा है, इसको कौन सा मड़ई बोला जाता है और उसके पीछे का कारण क्या है, कब से मनाते हैं? ये कहा जाता है, हम लोग तो नहीं जानते, पर 13वीं शताब्दी में राजा अन्नमदेव बस्तर महाराजा के पूर्वज 13वीं शताब्दी में सिहावा क्षेत्र 700 परगना 32 देवपाली क्षेत्र को विजय यात्रा में जब निकले थे और जहाँ जहाँ विजय यात्रा के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर रुके वहाँ वहाँ अपने आराध्य देवी मणिकेश्वरी देवी यानी मावली माता और दंतेश्वरी माई दोनों का स्थापना किए। तब से सिहावा में दंतेश्वरी मड़ई और मावली मड़ई चली आ रही है, लगभग 700 साल पुरानी घटना है। अच्छा, इसको भोड़का मड़ई भी कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बोला जाता है? हाँ, पहले यहाँ का जमीन पूरा कन्हार जमीन था और जैसी बरसात ख़त्म होने के बाद नदी किनारे होने के वजह से छोटा छोटा छेद हो जाता था और छेद होने के वजह से इस क्षेत्र के लोग छेद को भोरका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। अब भोरका बोलने की वजह से लोग बाग अभ्रंश में वो भोरका मड़ई ही हो गया है। वास्तविक ये दंतेश्वरी मड़ई और मावली माता का मड़ई है। जैसे क्षेत्र के देवी देवता यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से मड़ई मनाया जाता है? यहाँ 2.5 बार पूरे बाजार को देवी देवता लोग घूमते हैं। उसके पहले यहाँ के आराध्य देवी भूरसी मावली और दंतेश्वरी माता के सभी देवी देवता दर्शन करते हैं। उसके बाद 2.5 राउंड लगाते हैं बाजार को। उसके बाद सभी देवी देवताओं को माँ दंतेश्वरी एवं भूरसी मावली द्वारा सभी को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है, पुष्पहार से स्वागत किया जाता है देवी के द्वारा। तो ये हमारे साथ सिहावा से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक थे देवव्रत गौतम जी, उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों मड़ई मनाया जाता है और भोड़का मड़ई बोलने के पीछे का कारण क्या है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ मौजूद है, यहाँ के जो ग्राम पटेल है, सिहावा के प्रमुख है, उनसे हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है ये जो मड़ई है। अभी हमेशा पुराने अपने बुजुर्ग लोग चले आ रहे हैं, उन्हीं को हम निभाते हुए चलते हुए कार्य कर रहे हैं। ये बस्तर के महाराजाओं के द्वारा जो सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है उसी को हम अपनाते हुए ये कार्य को कर रहे हैं। जैसे आज इसको कौन कौन सा मड़ई, जैसे दंतेश्वरी मड़ई भी कहा जाता है, भोड़का मड़ई भी कहा जाता है और ये जैसे दिसंबर के महीने में अधिकतर तर मनाया जाता है, मतलब आज के दिन विशेषता क्या रहता है कि इसको मनाया जाता है? अब ये यहाँ का जो दिन है, मतलब भोड़का मड़ई जो दंतेश्वरी मंदिर का रूपरेखा में किया जाता है और यानी यहाँ का कहीं कहीं से पुराना परंपरा है। चांद निकलता है एकम को, उसके हिसाब से फांका पड़ता है पहले बुधवार को, उसके बाद जो बुधवार पड़ता है उस दिन हम दंतेश्वरी का मड़ाई करते हैं। कम से कम 45 गांव के देवी देवता यहाँ आते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत में इसको फूल मड़ाई भी बोला जाता है, सभी देवताओं को फूल पहनाते हैं। फूल पहनाने के बाद पूरे देवी देवता बाजार को 2.5 भाव और चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं फिर उनका विदाई होता है, सम्मान होता है। जैसे मैं भी इस क्षेत्र का निवासी हूँ काफ़ी सालों से, मतलब मेरी उम्र करीबन 30 साल हो गई, काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं, लगभग कितने वर्ष हो चुका होगा इसका आयोजन? मैं तो अब नहीं बता सकता, पूर्वजों से चला आ रहा है, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस मड़ाई को देख रहा हूँ। क्या विशेषता इस मड़ाई की? अब ये बस्तर महाराजा के दंतेश्वरी माता हैं, जहाँ जहाँ उन लोग जब भ्रमण किए, जहाँ जहाँ रुके, जिस जिस जगह पे उनका ठहरा हुआ वहाँ वहाँ अपने आराध्य देवियों का मंदिर बना और वो मंदिरों में ये मड़ाई होता है हर साल। और सभी एक जगह मिल मिला के कम से कम एक अपनत्व और एक पारिवारिक मिलन भी हो जाता है, सभी का देवी देवता का एक साथ मिल के एक रूपरेखा, अपना यानी अपनापन, अपना जो भी है ये सभी यही समझो। हमारे साथ और गांव के वरिष्ठ नाग जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भैया कब से होते आ रहे हैं? अब हमारे पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं तो हमें पता भी नहीं है, अब उन्हीं के बताए रास्ते में हम लोग चलते हुए देवी देवताओं के रास्ते हिसाब से
आज के दिन हमने हमारा गांव का मड़ई पत्र आयोजन होता है, शानदार मड़ई का आयोजन होता है क्षेत्र भर से देवी देवता लोग पहुँचते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज? मैं तो हमारे सभी देवी देवताओं और मेरे क्षेत्रवासियों को मैं अपने मड़ाई के उपलक्ष में बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो ये हमारे साथ सियावा के कुछ प्रमुख लोग मौजूद थे, गांव के पटेल भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये परंपरागत तरीके से सियावा दंतेश्वरी मंडई जिसको भोड़का मंडई भी कहा जाता है, ये बस्तर महाराजा की रियासत से चले आ रहा है और इनको बीते कई वर्षों से यहाँ आयोजन होते आ रहे हैं जो उसको खुद भी नहीं मालूम, मतलब कि ये पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं। उनसे आशीर्वाद इस मड़ाई से लेते हैं, निश्चित ही हमारी क्षेत्रवासियों का एक परंपरा के अनुसार हम आज इस भव्य रूप में इस मेला को मना रहे हैं। पुजारी जी, जैसे कि ये परंपरागत तरीके से कई वर्षों से ये मड़ाई का आयोजन होते आ रहे हैं, जैसे देवी देवता आते हैं लोग उनके दर्शन करते हैं, क्षेत्र भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, साथ ही साथ यहाँ मनोरंजन के लिए झूले वूले की भी व्यवस्था रहती है, लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ इसका आनंद लेते हैं, क्या बोलना चाहिए? नहीं देखिए, हमारे क्षेत्र में ही ये पहली बार है कि इस छोटे छोटे मेलाओं में भी एक आकर्षक का केंद्र झूला और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए माउस झूला की व्यवस्था और लोग के आकर्षक का केंद्र बनता है, निश्चित ही इससे हम सभी के बच्चे इसमें झूलते हैं और आनंद लेते हैं। तो जैसे हमारे साथ इलाके के वरिष्ठ नागरिक सांसद कितना उत्साहित रहते हैं, कितने आनंदित रहते हैं और यहाँ पर झूला का भी व्यवस्था रहता है तो उसमें भी लोग मनोरंजन के लिए झूले में बैठकर अपना झूले का आनंद लेते हैं, साथ ही साथ परंपरागत तरीके से आ रहे इस मंडई का आयोजन लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आपने हमारा अगर चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट, धमतरी सिहावा। और एक शहर से निकल